पित्र पर्वत का एंट्री गेट, और यहीं से एंट्री होना है आपको। यहाँ पर इसका साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, पित्र पर्वत। दोस्तों देख सकते हो कि सभी इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये एंट्री गेट है दोस्तों। से टिकट प्रोवाइड किया जाता है, जो टू व्हीलर रहते हैं उनके लिए 5 रुपये टिकट है, और जो 4 व्हीलर आते हैं उनके लिए 10 रुपये टिकट है। और ये चलिए मैं आपको एंट्री गेट के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूँ। तो दो वे है, एक वे जो आपका बाइक से आप जा सकते हो, और मेनली जो सभी पर्सन जो प्रीफर करते वही आपके पैदल रूट है। तो चलिए आप पैदल रूट में ऊपर दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह भगवान हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये है आपका पैदल पथ। और दोस्तों यहाँ की विशेषता बताना चाहूँगा कि जितने भी हैं पेड़ वगैरह लगाए गए और आगे भी दिखाने का प्रयास करूँ, तो यहाँ प्लांटेशन किया जाता है। अपने कोई बड़े बुजुर्ग की याद में कोई फंक्शन वगैरह रहता है, किसी का जन्मदिन रहता है, नाम लिखा हुआ है मिठूलाल मिश्रा जी, तो इस तरह जो भी पेड़ लगाता है तो उनके नाम के साथ यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ताकि कहीं ना कहीं मेमोरी को रिकॉल किया जा सके। वेट नापने की मशीन, अच्छा बेटा देखा हुआ था आपका। तो दोस्तों बहुत सुंदर इस तरह टैटू वगैरह भी यहाँ बना करके प्रोवाइड किए जाते हैं। बांस से निर्मित ये कुटिया है, बहुत ही सुंदर है दोस्तों एक चीज़ तो आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि मूर्ति आपको दूर से भले से इसमें विजुअल छोटे लग रहे हो, पर पास जाके दिखूंगा दोस्तों मूर्ति का साइज बहुत आप बड़ा आकार है दोस्तों। थोड़ी देर बाद लाइट का व्यू मैं आपको शाम को दिखाने का प्रयास करूंगा। उसके पहले जो मेन प्रतिमा है जिस पर मैं ले चलूंगा आपको, कि जहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है, और उसके साथ में जो अंदर का जो मंदिर है बेस में बना हुआ है, बेसमेंट में बना हुआ है, तो इसके अंदर दोस्तों जितनी भी आप दीवारें देख सकते हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पत्थरों के ऊपर नक्काशी करके भगवान श्री हनुमान जी की जितनी भी श्री राम जी के साथ जीवन काल था, तो सभी चीज़ों को, चाहे वो सुग्रीव के साथ मिलाप हो, फिर बात किया है लंका दहन, तो सभी चीज़ों को यहाँ पर दीवारों पर नक्काशियों के रूप में दिखाया गया है। तो सभी का चलो मैं व्यू दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ। बहुत ही छोटी छोटी मूर्तियाँ पर नक्काशी दोस्तों बहुत ही इसमें शानदार की गई है। तो उसे सुग्रीव और बाली का युद्ध, यहाँ भगवान राम का सुग्रीव मिलाप, यहाँ भगवान श्री राम का हनुमान जी से जब मिलाप हुआ था, तो पूरे जीवन काल को दोस्तों बहुत ही सुंदर रूप में दर्शाया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आप जूते वगैरह आपके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि दरवाजों पर बारीक बारीक वुड पर नक्काशी की गई है। और दोस्तों अब ले चलता हूँ आपको अंदर जाने का रास्ता, जो आपको सीधे ऊपर ले जाएगा पित्त पर्वत। और ये पित्र पर्वत पर पहुंचने का ऊपर वाला मार्ग, जहाँ पर श्री हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। और इस तरह का व्यू आपको ऊपर आने पर मिलेगा। सनसेट का समय भी होते जा रहा है, लाइट में लाइटिंग की प्रतिमा भी दोस्तों आपको कहने की इफेक्ट उसका दुगना नजर आएगा। और ये है दोस्तों यहाँ से नीचे का नज़ारा, साइड व्यू। तो दोस्तों मैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों स्टेच्यू हनुमान जी का, जो श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो गदा है दोस्तों उसका जो साइज़ है वो है आपका 45 फीट, तो 45 फीट लंबी ये गदा है। साथ ही आज मेन स्टेच्यू की बात की हनुमान जी की, तो ध्यान रखना वो 71 फीट लंबी है, इसकी ऊंचाई है 71 फीट, और साथ ही आज दोस्तों ये 108 टन वजनी है। और जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों ध्यान रखना, 125 कारीगरों ने लगातार बात किया, तो 7 साल तक वर्क करने के बाद ये स्टेच्यू का निर्माण किया गया था। ये इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा नाइट का व्यू है दोस्तों, डेफिनेटली दिया पाओ यहाँ पर विजिट करने के लिए, जो कि इंदौर एयरपोर्ट से लगभग बांध की जाए तो 6 किलोमीटर के लगभग है। और बहुत ही अच्छा दोस्तों नाइट का व्यू, सबसे शानदार है दोस्तों रामायण, तो बहुत बड़ा साइज है दोस्तों रामायण का। और यहाँ पर हनुमान जी की गदा, जिससे उन्होंने बहुत सारे असुरों का संहार किया था, और ये है
श्री राम जी की स्तुति करते हुए हनुमान जी की प्रतिमा और पीछे दोस्तों ध्वजा। तो नाइट कैब डेफिनेटली यदि आप दिन से कंपेयर किया जाए तो 2 टाइम्स लगेगा आपको। उसी तरह जो आपके यहाँ साइड में लाइट लगे हुए इन्हीं के कारण यहाँ पर जो मूर्ति का स्वरूप है लाइट के कारण चेंज होते रहता है। और इस तरह दोस्तों कांच भी लगाया गया ताकि बाहर आप बैठने की इस तरह से चेयर वगैरह भी लगी हुई है जहाँ से आप बाहर से भी व्यू ले सकते हो। तो ये है मंदिर के अंदर का नज़ारा। थोड़ा पीछे से दर्शाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस तरह का व्यू है टोटल ओवरऑल। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस दोस्तों, डेफिनेटली पीस फील होता है यहाँ आने के बाद। ये दोस्तों आपका जूता स्टैंड, यहीं पर जूते रखने के बाद आप मंदिर में प्रवेश करते हो और उसके बाद जो इसका रास्ता है वो आप सब एक साइड से ऊपर जाने का रास्ता। पीने के पानी की व्यवस्था भी है। ये पार्किंग स्लॉट आपका और ये हनुमान जी की प्रतिमा जो विश्व विख्यात है दोस्तों। तो नाइट का व्यू